नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अष्टभुजिया तरैला के बीच में बाइक से गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने दामाद पर आरोप लगाया कि ना तो वह उनकी बेटी से बात करवाता था, ना मायके भेजता था, साथ ही घटना की जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई थी। दरअसल सोनवर्षा निवासी कंचन का विवाह राजेश के साथ हुआ था। शादी के बाद उसे एक बेटी हुई और दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात हो गया, जिससे पति राजेश उसे मायके भेजना बंद कर दिया। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि मोबाइल में भी बात नहीं करवाता था। घटना की जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई, जिसके चलते उन्हें शंका है कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हुई है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के बयान दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही के लिए मार्गडारी संबंधित थाना भेजी जा रही है। आइए सुनते हैं मृतका के पति राजेश और उनकी मां का क्या कहना है। केक साहब, ये जो खत्म हुई है कौन है आपकी बेटी? है कंचन। ये क्या घटना क्या हुई है? घटना हमको साहब चार दिन हो गया, फोन राजेश नहीं लगाए थे। आपके दामाद हैं? दामाद हैं। हाँ। फिर हमारे नात रिश्तेदार साहब फोन लगाए, कहें कि तुम्हारी बच्ची एक्सीडेंट हो गई है, आज संजय गांधी में भर्ती है साहब। आ 3 साल से साहब ये न बात ही कराई दी, जो फोन हम लगाते सर ती बात ही नहीं कराते, कहते हैं इधर हैं उधर हैं, बात फिर जाएंगे तो कराएंगे। हम हमारी बेटी हमारी हन्नी आती काती भूत जाते हैं, तो अभी बर्जनेत है, नहीं आने देते सर। बुलाने जाते थे तो भी नहीं, तब से नहीं आने नहीं दिए। तो ये अभी जब ये खत्म कैसे हुई, कुछ कहाँ चोट थी, उससे क्या पता चला? अब हम अब आए तो देखे थे सिर में चोट थी सर। जी सर। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था ये बताए हैं आपको? हमको नहीं बताए हैं सर। कभी बताते हैं कि अष्टभुजी में हुआ, कहीं बताते हैं कि अष्टभुजी में हो, कहीं कहीं दूसरे जगह सही पता नहीं बताते, तो हम क्या बताए सर आपको? बच्चे भी हो गए? एक लड़की है, लड़की नहीं आई। दामाद से आपकी बात हुई अभी? अभी नहीं। कहाँ तो कहें कि मम्मी एक्सीडेंट आ हो गई है, हम पूछन के कैसन हुआ लाला, तो कहीं एक्सीडेंट आ हो गया। अभी कहाँ है? ये इधर ही होंगे, कहाँ आस पास। क्या लगता है आपको कैसे घटना हुई? अब तो बताते हैं किसी डेंट हुआ सर, पर रिपोर्ट में निकले देखे क्या है सर। जगह अलग अलग बता रहे हैं, कई जगह बता रहे हैं, जैसा कई जगह बता रहे हैं सर। हाँ, कहीं नहीं उधर जाते हैं, लेकिन मुझे नानी ने ये कहाँ घटना की है, कहाँ की घटना है, ये इनकर ससुराल करहिया में है साहब, कंचन की। हाँ, क्या नाम आपका? राजेश साकेत। ये जो खत्म हुई आपकी पत्नी जी, ये क्या घटना क्या हुई? गाड़ी चल रही थी, चलती गाड़ी में गिर गए हैं। कहाँ से? ये अष्टभुजी के पास वहीं अतरेला तो अष्टभुजी के बीच में। आप परिजनों का आरोप है कि आप कई जगह बता रहे हैं यहाँ फिर वहाँ के, मतलब जी नहीं जी नहीं, खाली अष्टभुजी और जो है तो मतलब अतरेला के बीच में गिर गए हैं बस गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से। आप लोग कहाँ जा रहे थे? ससुराल जा रहे थे सोनवर्षा। फिर जब से शादी हुई बताना है कि ससुराल तो आज तक आप लोग भेजा नहीं? ससुराल हर चक्कर जा रहे हैं, साल में बार राखी बांध के आए, फिर मामा की शादी भई तब वो गए हैं। तुम तो जा रहे थे, जब से उनका पेट नशान है तब से नहीं गए, उनका भेज दिया है पेट नशान है सोनवर्षा वहाँ ही। जी हाँ, ऐसे पेट नशान रहा सोनवर्षा में, की वजह से नहीं भेजा रहे हैं। शादी के बाद से उनको नहीं भेजे थे? नहीं, शादी के बाद दो चक्कर भेजे हैं, दो चक्कर के बाद तीसरा नहीं भेजे हैं, पेट नशान है सोनवर्षा में सबसे नहीं भेजे हैं, जब से पेट नशा है तब से नहीं भेजे हैं। क्या लगता था क्यों नहीं भेजे? बच्ची हुई तो भी नहीं आए लोग, पेट नशान तो भी नहीं आए लोग, खाली हम जा रहे थे। आप क्यों नहीं भेजते थे, क्या कारण क्या था? कारण कुछ नहीं, कारण ही था, बाकी कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? राजेश। हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी,
पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।